नमस्कार, मैं हूं शिखा विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग बॉस स्पेशल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बिग बॉस स्पेशल के इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जो घर में सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। बिग बॉस का घर यानी कि हर दिन एक नया बवाल और हर दिन एक नया टास्क। लेकिन इस सीजन में कुछ कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जो इस कसौटी पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं। कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो बिग बॉस के घर में तो आ गए हैं लेकिन यहाँ वो ज़्यादातर खाते या सोते ही नज़र आते हैं। किसी भी मुद्दे पर उनकी राय कम ही सामने आती है। टास्क में भी कमजोरी पार्टिसिपेशन नज़र आता है। ये कंटेस्टेंट हैं जिग्ना, रिंकू, तहलका, अनुराग डोभाल और अरुण माशेट्टी, जो बिग बॉस के घर में न तो मेकर्स की कसौटी पर खड़े उतरे हैं और न ही दर्शकों को इंगेज रख पा रहे हैं। इनकी इसमें से कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनकी फैन फॉलोइंग्स काफ़ी तगड़ी भी है, पर बिग बॉस के घर में वो कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए हैं। दोस्तों, यह कहना भी अतिशोक्ति नहीं होगा कि अब ये लोगों को बोर कर रहे हैं, जो लोगों की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरने वाले कंटेस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है अपने प्रैंक से लोगों को हैरान करने वाले तहलका की, जिनकी बोरिंग पर्सनालिटी बिग बॉस के घर में लोगों को अब और अधिक बोर लगने लगी है। इसके अलावा अरुण माशेट्टी शो में डींगे मारते और दिन भर बेड पर पड़े रहने के अलावा कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आते। चिकना को लेकर भी लोगों की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी लेकिन बिग बॉस के घर में वो कम ही नज़र आती हैं। कभी कभार किचन में खड़ी जिगना की झलक ज़रूर दिख जाती है। रिंकू धवन टेलीविज़न की बेबाक पर्सनालिटी मानी जाती है, ऐसे में उम्मीद थी कि उनका तहलका घर में दिखाई देगा लेकिन ना वो खास नज़र आ रही हैं और ना ही उनका कोई गेम। यूट्यूबर अनुराग डोभाल से लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वे इस पर खरे बिल्कुल नहीं उतर पाए। वो अब तक घर में सिर्फ पिकनिक ही मना रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर में रिलैक्स करने के लिए वो आए हैं और फ्री का खाना खा रहे हैं और मौज मस्ती चल रही है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ नाम जो निरंतर अपनी पर्सनालिटी के विरुद्ध पिकनिक मना रहे हैं बिग बॉस के घर में और लोगों को इनको अब देखना बोर सा लगने लगा है। तो ये थी बिग बॉस की एक छोटी सी खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।